हेलो भाई, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई यही जानता हूँ कि अगर तुम लोग अगर ये वो कैप्टन और वाइस कैप्टन सही कर लिए तो सब सही हो जाएगा। तो भाई मैं इसीलिए ये सवाल यूं ही लेके आ जाता हूँ कि मेरे भाई लोग बहुत परेशान रहे होंगे, तो चुटकियों में सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो भाई देखो, द बेस्ट चॉइस कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो भाई कौन से प्लेयर, ये पाँच प्लेयर जो हैं भाई, ये पांच प्लेयर प्रेडिक्शन भाई, आज के मैच में कौन सा प्लेयर 25 रन मारेगा, 30 रन, 45 रन, सब जान लो। देखो भाई, ये जो आर गुरबाज है ना, अगर ये फर्स्ट बैटिंग करता है तो भाई देखो तुम 25 से 50, 75, 100, अगर ये पहले बैटिंग करता है तब तुम 25, 50, 75, 100 तक का भी उम्मीद कर लेना कि ये बंदा मार सकता है, और तुम इस पे जाके यस करके कुछ पैसे कर लेना, कुछ अच्छे खासे। जान मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत करता हूँ तुम्हारा और तुम लोग का फिर से एक नए फ्रेश ताज़ा वीडियो में। तो भाई उम्मीद करता हूँ जाओ तुम लोग मस्त हो, और ठंडी में जहाँ रहो ये सब नॉलेज लो, पैसा कमाओ, मौज काटो, जिंदगी मौज काटोगे तो सब सुंदरता नज़र आएगी। तो भाई मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूँ भाई, जिन जिन भाई लोग मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हो, जाओ भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कोने में देखो लोगो दिख रहा होगा, तुम जाओ मेरा नाम सर्च करो, अनुराग क्रिकेट एक्सपर्ट, ठीक है, टेलीग्राम पे ज्वाइन करो और वहाँ आओ, वहाँ मिलो, वहाँ भी पैसा कमाओ, यहाँ भी पैसा कमाओ। तो भाई आज की वीडियो में आज हम आपको बताने वाले टू एंड टी ट्वेंटी मैच किसके बारे में हो रहा है भाई, ये देखो टीम नेम, अफगानिस्तान वीएस यूनाइटेड अरब इमिटेस। तो भाई ये मैच कहाँ हो जा रहा है, कैसे हो जा रहा है, हम आपको सबसे पहले ये सब बताने से पहले हम आपको बता देते हैं बांग्लादेश के प्रोबल प्लेइंग 11 के बारे में, कौन कौन से आज के मैच में प्लेयर खेलने वाले हैं। तो लो भाई अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान प्रोबल प्लेइंग 11। तो भाई ए एच जी लिख दिया हूँ, इसका मतलब अफगानिस्तान समझ लेना। तो भाई देखो, अफगानिस्तान के प्रोबल प्लेइंग आर गुरबाज, एच जॉर्जी, फिर इब्राहिम जार्डन, ओ उमर जाई, मोहम्मद नाबी, फिर नाजीबुल्ला जार्डन, फिर करीम जांदा, फिर यहाँ बात करने वाले हैं हम फाजुल हक, फिर नूर अहमद, फैज अहमद, फिर यहाँ आते हैं नवीन उल हक। तो ये हो गया भाई हमारा कौन, बांग्लादेश प्रोबल 11। अब हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम प्लेयर प्रोबल 11 के बारे में। तो लो भाई लगे हाथ, अब जान लो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स प्रोबल 11 प्लेइंग 11 के बारे में, आज के मैच में यूनाइटेड के प्लेयर कौन कौन से खेलने वाले हैं। तो भाई देखो, मैं तुम लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, तुम लोग ऐसा खुद बोर्ड पे देख लो भाई, भाई इन लोग का ऐसा नाम, इतना डिफिकल्ट नाम है ना, मेरे जुबान पे आ नहीं रहा, मैं थोड़ा मतलब ऐसा बोल रहा हूँ, लड़बड़ा जा रहा हूँ, देखो तभी मैं बोल रहा हूँ, एडजस्ट कर लेना, कहीं तुमको गड़बड़ लगेगा कि मैं गड़बड़ बोल रहा हूँ, तुम वीडियो पॉज करके तुम खुद रीड कर लेना, ठीक है। देखो वासुम मोहम्मद, फिर हमें काली शाह, फिर वाटिया अरविंद, एस वादिवस्थाना, बेसिक हिमेल, स्पिटोनी सूरी, आर्यन खान, ओएल नासिर, एम वॉलविन, भाई तुम लोग नाम पढ़ लो भाई, नाम ऐसा है नाम पढ़ने में टट्टी निकल जाएगी, तो भाई तुम लोग खुद नाम पढ़ लो, ठीक है। अब हम बात करने वाले भाई, देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, पिच कैसा बिहेव करती है, किसको मदद करती है, बॉलरों को, बैट्समैनों को किसको मदद करती है, तो सबसे पहले जानकारी हम आपको देंगे पिच रिपोर्ट। भाई जो ये मैच हो रहा है बांग्ला मतलब अफगानिस्तान यूनाइटेड किंगडम का, जो ये मैच हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, शारजहाँ क्रिकेट स्टेडियम, भाई शारजहाँ इसका क्रिकेट, भाई पिच के नॉलेज बहुत जरूरी है, जो शारजहाँ इस क्रिकेट स्टेडियम की पिच है ये किसको मदद करती है, देखो भाई बोर्ड पे मैं लिख दिया हूँ, मैं तुम लोग को रीड करके समझा देता हूँ, देखो अच्छे से देखो, यह पिच पर स्पिनर को काफ़ी मदद मिलता है, यह पिच पर स्पिनर को काफ़ी मदद मिलता है, क्यों मदद मिलता है ये भी जान लो, देखो यह पिच काफ़ी पिचों के कंपेयर में बड़ा है, यानी स्पिनर्स को क्यों मदद मिलता है, समझो पिच बड़ा है, स्पिनर जब फेंकते हैं, अगर बैट्समैन अगर बॉल को मारता है तो बॉल हवे में रह जाती है, और जब बाउंड्री बड़ी है तो इससे विकेट गिरने की चांस ज़्यादा है, इसीलिए स्पिनर्स इस पिच पर दबदबा बनाए रहते हैं, हर टाइम दबदबा बनाए रहते हैं। इस पिच पर फास्ट बॉलरों को कोई खास मदद नहीं मिलता है, भाई जब पिच बड़ा है स्पिनर्स को मतलब स्पिनर ले सकते हैं, लेकिन फास्ट बॉलरों को ज़्यादा यहाँ पे मदद नहीं मिलता। फिर ये देख लो, इस पिच पर कम स्कोरिंग वाला मैच देखने को मिल सकता है, क्यों, क्योंकि भाई ये पिच बड़ा है, कितना भी रन कोई बनाएगा लेकिन ज़्यादा स्कोरिंग वाला मैच नहीं देखने को मिल सकता है। अब इतना बात कर लिए हम, आपको दे दिए ज्ञान पिच का, अब बात कर लेते स्कोरिंग पैटर्न, इस पिच पर टी20 के स्कोरिंग पैटर्न क्या क्या रहे हैं, क्या रेवेन्यू रहा है इस पिच का, तो बात कर लेते स्कोरिंग पैटर्न के बारे में, स्कोरिंग पैटर्न जान लो इस पिच का, शारजहाँ की जो ये पिच है स्कोरिंग पैटर्न क्या रहता है। तो भाई ये देखो स्कोरिंग पैटर्न, देखो भाई इस पिच पर जो शारजहाँ का ये
जो शारजहां क्रिकेट स्टेडियम का पिच है, इस पिच पर टी ट्वेंटी मैच कितने 32 मैच खेले गए, ठीक है, टोटल मैच कितने 32 मैच खेले गए। फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते समय, पहले बैटिंग करते समय मैच 17 बार जीत दर्ज किया हुआ है, ठीक है, और टू एंड इनिंग बैटिंग करते समय 14 बार, मतलब ज़्यादा का डिफरेंट नहीं है, ठीक है, मैच दोनों तरफ जा सकता है, पहले बैटिंग और सेकंड बैटिंग में, तो ये भी देख लो। फिर फर्स्ट इनिंग के एवरेज स्कोर, मतलब फर्स्ट इनिंग में जो टीम बैटिंग करती है वो कितना रन बना सकती है, लगभग 170-180 रन मान के चलना बना सकती है। और दूसरे इनिंग में टू एंड इनिंग एवरेज स्कोर, मतलब जो दूसरे इनिंग में चेस करने उतरती है कितना, मतलब 150 तक लगभग पहुँच ही जाती है, तो भाई मैच किसी पक्ष में जा सकता है, ये जान लो। फिर ये देखोगे, अब इतना तो जान लिए, फिर यहाँ देखो हाईएस्ट टोटल स्कोर शारजहाँ का जो ये पिच है, सबसे ज़्यादा रन कितना था, 245 रन 5 विकेट के नुकसान पे, ठीक है, 5 विकेट के नुकसान पे 245 रन भाई हाईएस्ट, और जान लिए। अब जान लो तुम लोवेस्ट टोटल स्कोर, इस पिच पर सबसे कम, सबसे खराब, खटिया, मतलब खराब सामान लो, लोवेस्ट टोटल स्कोर कितना, 54 रन पे 10 विकेट हो गया, समझ लिए भाई साहब, मतलब समझ लो मैं दोनों के पक्ष में जा सकता। तो भाई ये लो आ गया हमारा ये खुशनसीबी वाला सवाल, देखो प्लेयर प्रेडिक्शन भाई, आज के मैच में कौन सा प्लेयर 25 रन मारेगा, 30 रन 45 रन सब जान लो। देखो भाई ये जो आर गुरबाज है ना, अगर ये फर्स्ट बैटिंग करता है तो भाई देखो तुम 25 से 50 75 100, अगर ये पहले बैटिंग करता है तब तुम 25 75 100 तक का भी उम्मीद कर लेना कि ये बंदा मार सकता है, और तुम इस पे जाके यस करके कुछ पैसे कर लेना, कुछ अच्छे खासे इनकम, आज वीडियो देख रहे हो उसकी दिहाड़ी ले लेना। फिर अगर ये जो आर गुरबाज है भाई, अफगानिस्तान का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो ये आर गुरबाज अगर सेकेंड इनिंग में बैटिंग करता है तो 25 रन ही केवल तुम लोग यस करना, बस 25 रन, अगर ये पहले इनिंग में बैटिंग करता है 25 50 75 भी कर सकते, कोई डाउट नहीं है। फिर यहाँ बात कर लेंगे यूएसटी यूनाइटेड किंगडम भाई, यूनाइटेड किंगडम वाला जो मैच है, फिर यहाँ देखो नीलेश केशवाई भाई, अगर ये पहले बैटिंग करता है तो इस पे भी वही रहेगा 20 25 30 35, तुम लोग क्या करना और यस कर देना, देखो ये मैच देख लो समझ लेना। और जो नीचे समल उद्वाथर भाई, ये भी अगर भाई इसको तुम छोड़ देना, इसको मत करना, इसको थोड़ा अपने टीम में बस रख लेना, जो लिख दिया हूँ, मतलब ये इंपॉर्टेंट आर गुरबाज इंपॉर्टेंट हो भाई, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, यही जानता हूँ कि अगर तुम लोग अगर ये वो कैप्टन और वाइस कैप्टन सही कर लिए तो सब सही हो जाएगा। तो भाई मैं इसीलिए ये सवाल यूं ही लेके आ जाता हूँ कि मेरे भाई लोग बहुत परेशान रहे होंगे, तो चुटकियों में सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो भाई देखो द बेस्ट चॉइस कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो भाई कौन से प्लेयर, ये 5 प्लेयर जो हैं भाई, ये 5 प्लेयर बोलो तो घेर दू इस तरह ना जाके, देखो ये 5 प्लेयर तुम्हारे टीम में रहना जरूरी है, तुम किसी को रखना मत रखना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 5 बहुत जरूरी है, नहीं रखोगे दिक्कत हो जाएगा। देखो भाई आर गुरबाज अगर पहले बैटिंग करता है तो भाई इसको कैप्टन करने में कोई दिक्कत नहीं, अगर ये पहले बैटिंग करता है तब ठीक है, तुम इसको तुम आँख बंद करके कैप्टन कर सकते हो। फिर उमर जाई, फिर इब्राहिम जॉर्डन भाई, अगर ये सेकेंड इनिंग बैटिंग करता है तब तुम इसको कैप्टन कर सकते हो, ये बेस्ट चॉइस रहेगा। उमर जाई अगर ये सेकेंड इनिंग में बैटिंग करता है, मतलब सेकेंड इनिंग बैटिंग करता है तब ये बेस्ट चॉइस रहेगा, ठीक है, सेकेंड इनिंग बेस्ट चॉइस रहेगा। और यहाँ बात कर लेते हैं आर्यन खान, ये भी भाई बेस्ट चॉइस हो सकता है, अगर यूनाइटेड स्टेट पहले बैटिंग करती है तो जो ये आर्यन खान है तो ये भाई बेस्ट कैप्टन हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो अभी मैं इसी को ही करूँगा, इसको मैं आई जॉर्डन को मैं करूँगा कैप्टन और इसको करूँगा वाइस कैप्टन, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। और आपको फाइनल टीम कहाँ मिलेगी, मेरी फाइनल मतलब जब लाइनअप आएगा तब, उसके बाद लाइनअप आने के बाद, तो इसीलिए बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ पे फाइनल मिलूँगा, फाइनल टीम मेरी वहीं पर मिलेगी। चलो आज के इतना ज्ञान काफ़ी है, मिलते फिर किसी एक नए मज़ेदार फ्रेश ताज़ा वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।